हाँ जी जत्तापुरी जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके बेटे ने मुकाम हासिल कर लिया। थैंक यू जी। तो कितनी मुश्किलें यहाँ तक पहुँचने के लिए करी? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इसने अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इसने। हिमाचल का भी दिया, इसने पंजाब का भी दिया। पंजाब तो पंजाब में इसमें को बहुत ज़्यादा निराशा मिली, क्योंकि इसने मेंस क्लियर कर लिया था, इंटरव्यू फेस की थी, लेकिन उसमें मार्क्स कम आने के कारण इसका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। तो अब फिर भी मैंने इसको हौसला दिया कि बेटे कोई बात नहीं है, गिर गिर के पौड़ी चढ़ते हैं जैसे, तो इसको बहुत ज़्यादा हौसला दे दे कि हमने ना इस लेवल पर पहुँचाया। इसको था कि मैं लोगों को इंसाफ दिला सकूं। इसका इसके दादाजी बहुत ज़्यादा थे, जैसे बहुत ज़्यादा स्पोक्समैन, जैसे बहुत अच्छा स्पोक्समैन थे, तो इसलिए इसको भी था कि मैं अपने बाबा जी का नाम रोशन करूं, अपने दादाजी का नाम रोशन करूं, पूरी परिवार का नाम रोशन करूं, ऐसे ही उनके असूलों पे चलता रहूं, जैसे उनके असूल थे, सबको इंसाफ दिलाना, झूठ नहीं बोलना किसी को। तो आपका एक माँ होने के नाते किस तरह का साथ रहा इसके लिए? बहुत अच्छा रहा, बच्चे को हौसला देती रही, बच्चे कोई बात नहीं है तो आप अगला पेपर दो, शायद हो सकता है कि हमारी कमी के कारण भी हमें पंजाब में सफलता नहीं मिली। पंजाब में सफलता ना मिलने के कारण मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, क्योंकि इसके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, तो इसको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था। इंटरव्यू के बाद बहुत ज़्यादा ये गिर गया था एक तरह के। इसको हाँ जी, कैसे निकला? बस धीरे धीरे इसको बस समझा कर, जैसे बच्चे को माँ सहलाती है, जैसे कैसे कोई बात नहीं बच्चे, फिर क्या हो गया, अब हम अगली बार पेपर दे लेंगे, ये कह रहा था। इसका मेन मोटिव यही था कि मैं पंजाब में ही मैंने जज बनना है। इसने कोई स्टेट्स का पेपर पहले नहीं दिया था, सिर्फ हिमाचल दिया था। हिमाचल भी इसने इंटरव्यू फेस करना था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमने हिमाचल में, इसके पापा ने बोला कि हिमाचल में नहीं देना, हमने पंजाब ही देना है। आज इसने मुकाम हासिल किया तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। इसने यूपी में किया ना, अब यूपी में पीसीएस का किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है।